तो हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग कार में एलपीजी गैस डाल के दिखाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड आपके पास कार है और वो गैस से चलता है, तो आप ऐसे एक हैंड पंप ले सकते हैं मार्केट से, नहीं तो आप मोटर भी ले सकते हैं। मगर हैंड पंप से मोटर के मेंटेनेंस खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इसलिए आप हैंड पंप ले सकते हैं। उसका प्राइस भी मोटर से कम है, तो इसका ऑनलाइन प्राइस कितना है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं अभी के लिए कितना प्राइस है और आप उस लिंक से ले भी सकते हैं। तो फ्रेंड इस हैंड पंप से गैस डालने के लिए आपको एक गैस सिलेंडर चाहिए, नया गैस सिलेंडर चाहिए। गैस इनपुट के लिए जो पाइप है वो पाइप आप जो नया वाला गैस है वो गैस में डालना होगा। आप लोग देख लीजिए यहाँ से आपका जो नया वाला गैस है वो गैस में डाल दीजिए। और दूसरा जो पाइप है वो पाइप आप आपके जो कार है, कार के जहाँ से गैस डालना है वहाँ पर आपको देना है। अभी अच्छी तरह से सब टाइट देना पड़ेगा, और गैस के सिलेंडर के वहाँ पर जो है नब है वहाँ पर टाइट देना पड़ेगा, प्लस आपके कार में जो जहाँ से गैस डालना है वो भी अच्छी तरह से टाइट दे के रखना पड़ेगा। गैस डालने के पहले आप थोड़ा सा धूप में सिलेंडर रख दीजिए, तो अच्छी तरह से गैस जाने लगेगा, आइस वगैरह नहीं होगा। तो विंटर के टाइम ऐसे प्रॉब्लम होता है, गैस डालने के पहले आप थोड़ा सा एक दो घंटा धूप में रख दीजिए सिलेंडर को, तो अच्छा होगा। टाइट देने के बाद आप यहाँ से आपको पाम करना पड़ेगा, यहाँ से पाम करने से आपका जो सिलेंडर का गैस आपके कार में चला जाएगा। देखिए ये जा रहे हैं। और एक बार ध्यान दीजिए, ये गैस सीधा करके मत दीजिए, ये उल्टा करके देना पड़ेगा, नहीं तो गैस ठीक से नहीं जाएगा आपके कार में। तो फ्रेंड गैस डालने के टाइम आपको दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक आपके कार में कितना गैस खाली है वो भी आपको देखना है, फुल हो जाएगा तो और गैस नहीं जाएगा, और आपके जो सिलेंडर है वो सिलेंडर में कितना गैस है, गैस खाली हो जाएगा तो गैस तो ख़त्म हो जाएगा ना और गाड़ी में नहीं जाएगा।
तो थैंक्स ये वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साइड में जो बेल आइकन को भी दबा दीजिए।